ये वीडियो कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं है। प्लीज खोल के, ये तो तुमने जूसर मिक्सर ग्राइंडर Never up, never down, never. Like a flame in a song, clever. Feeling high, feeling low at the same time. Feel so right, then I'm wrong. Hoping I'll be fine. But I get up, I hope. Ready. I never think, I always do. मेरी मिक्सी हो गई थी करीब 1 month पहले खराब, इसलिए मैंने डिसाइड किया कि मैं लेकर आऊंगी एक नई मिक्सी। अगर मुझे कोई भी चीज परचेस करनी होती है तो सबसे पहले मैं सर्च करती हूँ लोकल मार्केट, और उसका रीजन ये है कि वहाँ आपको सर्विसिंग बहुत अच्छी मिल जाती है, वहाँ से आपके कॉन्टेक्ट्स अच्छे होते हैं। जब भी मार्केट जाती हूँ मुझे ज्यादातर खूब अपने दोस्त मिलती हैं, फ्रेंड्स मिलती हैं, जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो ये भी मुझे लोकल मार्केट में जब मैं सर्च करने गई थी ना मिक्सी, तब मिले हैं। भूमि जी और मैं इनकी बहुत बड़ी फैन हूँ वाकई में। सच में इनको देखकर मुझे इतना मोटिवेशन मिलता है। मैं भी कभी कभी हार जाती हूँ कि हाय मैं नहीं कर रही कुछ काम, ये मुझे इतना मोटिवेट करती हैं वाकई में। बहुत अच्छी लेडी हैं ये। थैंक यू सो मच। आप बहुत अच्छे व्लॉग बनाते हो, मैं आपके सारे व्लॉग देखती हूँ। और हर तरीके का वर्क मिलता है, ये बहुत अच्छी बात है, उसमें हर तरीके का वर्क होता है। बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा सबसे मिलके। अपनी चॉइस के लिए, या ये समझिए कि मुझे कौन सी चीज खरीदनी होती है, इसके लिए होती है मेरी एक रिसर्च। तो जहाँ तक मिक्सर ग्राइंडर की बात है, मैंने रिव्यूज भी पढ़े, फिर मैंने बात करी कुछ लोगों से। अब देखो वो लोग कौन थे, वो भी थे जो कि जूस बेचते हैं, रेस्टोरेंट्स में भी पूछा, और एक दो और नॉन लोगों से मैंने बात करी, तो उन्होंने मुझे कुछ ब्रांड जो है सजेस्ट किए। जैसे एक तो था उसमें सुजाता था, पेनासोनिक और फिलिप्स, प्रीति। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा लोगों ने रिकमेंड किया वो था सुजाता ब्रांड। और एक चीज और है, ये जो मेरा वीडियो है कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, ये मैं अपनी रिसर्च के अकॉर्डिंग जो चीज लेकर आई हूँ वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सुजाता की तो हमें सुपर मिक्स तुम दे दो। जब मैं लोकल शॉप पे गई थी मिक्सी खरीदने के लिए तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ। एक्चुअली उन्होंने मुझे जूसर मिक्सर ग्राइंडर की तो मोटर दिखाई, और बाकी जार्स जो हैं सुजाता के सुपर मिक्स के दिखाए, और जिससे मैं थोड़ी कंफ्यूज हुई। ये सुजाता का सुपर मिक्स का बड़ा प्लास्टिक वाला जार है, ये इतना ही बड़ा है या इससे छोटा है? छोटा आएगा वो मैम, इससे छोटा आएगा ना, तो छोटा नहीं चाहिए हमें, बड़ा ही चाहिए। तो तुम हमें यही दो, और तुम मुझे इसके प्राइस और बता दो कितने पड़ेगा आपको। 5350 रुपए में पीस खोल के, ये तो तुमने जूसर मिक्सर ग्राइंडर वाली मिक्सी चाहिए? हाँ जी, मिक्सी का लो पैक लेट आ गया। हाँ, ये कितने का है, इसका दाम बताओ। पड़ा है 5150 रुपए। और दूसरा नंबर, ये तो इंडिया लेवल कंपनी ऐसी है कि वर्ल्ड लेवल पे ये तो सजाता तो हर जगह बिकता है। और दूसरा नंबर, इसमें पैनिक होती है कभी खराब ही नहीं होता। 7506 इसकी एमआरपी है। अच्छा, तो ये 50% काटो इसमें। नहीं, 50% नहीं। ये मैं लेकर आई थी सुजाता की सुपर मिक्स जो हूँ। अब जब मैंने आके थोड़ा सा चीज़ें चेक करी हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे बेटर जो है वो अब हमें पड़ सकती है डायनामिक्स। और वो जब मैं डायनामिक्स लेकर आऊँगी तब आपको बताऊँगी। तो अभी फ़िलहाल मुझे इसको करना है चेंज, वापस करने जाना है। और अभी तो बहुत तेज़ धूप हो रही है, गर्मी हो रही है, अभी इसे चेंज करके आऊँगी। सुजाता की जो सुपर मिक्स है उसे वापस करके मैं लेके आई सुजाता की डायनामिक्स मॉडल। और इस बार मैंने पूरा इसे चलाकर देखा, इसके सारे जार्स देखे, और ये मुझे बिल्कुल परफेक्ट लगी। थोड़ा सा टाइम वेस्ट इसमें हुआ, कंफ्यूजन हुआ, लेकिन फाइनली सही चीज़ आ गई। पहले मैं आपको बताती हूँ कि मेरी पुरानी मिक्सी में क्या प्रॉब्लम थी। ये जो मेरी पुरानी मिक्सी है, ये है इनालसा ब्रांड की, देखिए। और ये इनालसा ब्रांड की मिक्सी मैंने खरीदी नहीं थी,
रिलायंस ट्रेंड्स पे एक स्कीम थी कि अगर आप 5000 रुपीज की शॉपिंग करते हो तो आपको ये मिक्सी फ्री में मिलेगी, मतलब उसके बाद आपको 300 रुपीज पे करने पड़ेंगे। मैंने 2 साल पहले ये मिक्सी ली जिसके साथ 3 जार आए थे, ये इसके साथ 3 जार थे। देखिए इसके साथ जो ये बड़ा वाला जार आया था ये बेसिकली एक ब्लेंडर जार था जिसमें चीजें ब्लेंड होती हैं। लेकिन हुआ क्या, मुझे काफी जैसे इडली बनानी है या मुझे दही बड़े बनाने हैं तो मुझे इकट्ठा काफी सारी चीजें पीसनी पड़ती हैं, तो उसके लिए जो इसके ये छोटे जार थे ये बिल्कुल भी जो है काम नहीं आते थे। मतलब मुझे एक तो सबसे बड़ी चीज ये थी कि इनको बहुत देर तक चलाना होता था तब ये इसमें चीजें पिसती थी, और कई बार में मुझे पीसना पड़ता था जिससे काफी लंबा टाइम लगता था। और इससे पहले जो मेरे पास एक मिक्सी थी ये भी इनाल्सा की ही थी, देखिए, और ये इनाल्सा की एक किचन मशीन आती थी, मतलब इसमें काफी सारा काम हो जाता था। ये मेरी पहली मिक्सी है, अब तक बढ़िया चल रही थी। लेकिन हुआ क्या, इसके साथ ना इसके जार्स जब खराब हुए तो मैंने जार्स दूसरे खरीदे जो इसमें फिट नहीं आते थे, प्रॉपर इसने चलना बंद किया। उसके अलावा जो यहाँ पे इनके ब्लेड्स होते हैं ये भी मतलब इसके घिस जाते थे, मुझे चेंज करवाना पड़ा। और इसमें मैंने बहुत गाजर पीसी हैं, और क्योंकि इसके साथ बहुत सारे अटैचमेंट्स थे, लेकिन बाकी अटैचमेंट्स मेरे कभी भी यूज नहीं आए। ज्यादातर जो मैंने मिक्सी में यूज किया वो यूज किया सिर्फ मिक्सर और ग्राइंडर, तो इसके अटैचमेंट अभी तक वो बिल्कुल न्यू रखे थे। अभी जब मैंने क्लटर हटाया था अपनी किचन का तो सब हटा दिया था, बस मिक्सी मैंने इसलिए रखी थी कि इसको ये सही जार खरीद के मैं ये किसी को दे दूंगी। इसके बाद ये तो आपने मेरी किचन में बहुत देखा होगा, ये वंडर शेफ का एक छोटू सा मेरा जो है, ये वंडर शेफ का शायद न्यूट्री ब्लेंड आता है वो है। ये मेरा खूब चल रहा है, मतलब इसके रिव्यूज इतने नेगेटिव थे बहुत ज्यादा, लेकिन ये मेरा खूब चलता है, खूब यूज होता है और अभी तक इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। इसे भी मैं करीब 2.5 साल से तो यूज कर रही हूँ, उसके 2 जार हैं। और जब मेरी ये वाली मिक्सी में प्रॉब्लम आ रही थी ना, ये वाली जो इनाल्सा की मैंने आपको बताई इस मिक्सी में, तो मैं अपना काम इसी में कर रही थी, आपने कुछ वीडियोस में देखा भी होगा। और अब जो मैंने मिक्सी खरीदी वो है सुजाता की डायनामिक्स, मैं आपको बता चुकी हूँ सुपर मिक्स में लेकर आई थी। अब मैं आपको अंतर बता दूं, पहले तो डायनामिक्स और सुपर मिक्स में अंतर क्या है। जो डायनामिक्स और सुपर मिक्स में मेन डिफरेंस है वो है इस बड़े जार का। डायनामिक्स के साथ आपको ये बड़ा डोम जार मिलता है, जबकि सुपर मिक्स के साथ आपको एक प्लास्टिक का जार मिलता है, और उसकी और इसकी कैपेसिटी सेम है। डिफरेंस आपको बताती हूँ, सुपर मिक्स के साथ जो जार है वो एक ब्लेंडिंग जार है, जबकि ये जो है आपका एक वेट ग्राइंडिंग जार है प्लस ये एक ब्लेंडिंग जार है। अगर आपको बहुत ज्यादा अमाउंट में इडली का जो है बैटर तैयार करना है, डोसा, या आपको कोई भी चीज पीसनी है तो आप इसमें पीस सकते हैं, जबकि सुपर मिक्स का जो बड़ा वाला जार है उसमें आप ये नहीं पीस सकते हैं। तो आपको जो डायनामिक्स के साथ 3 जार मिलते हैं उसमें एक बहुत बड़ा फायदा ये है कि आपको एक वेट ग्राइंडिंग जार इसमें मिल जाता है जिसकी की कैपेसिटी 1.5 लीटर है। और ये ब्लेड जो है हम इस जार के चेंज कर सकते हैं, जो डोम जार है सबसे बड़ा जार है, अभी इसमें ग्राइंडिंग का ब्लेड लगा हुआ है, लेकिन अगर जैसे हमें विप करनी पड़ती है क्रीम, तो ये एक विप के लिए ब्लेड दिया हुआ है, विप ब्लेड इसे बोलते हैं, विपिंग के लिए। और अगर आपको किसी भी चीज के कुछ बारीक टुकड़े करने हैं तो उसके लिए एक ब्लेड और दिया हुआ है। अब आप ब्लेड इसके अंदर के कैसे चेंज करेंगे, इसके साथ जो ये इस तरीके का एक प्लास्टिक का स्पैचुला आता है उसका जो पीछे वाला पार्ट है उससे बहुत आसानी से आप जो है इन ब्लेड्स को चेंज कर सकते हैं। और इसके अलावा इसमें मिलते हैं ये 2 छोटे जार, यहाँ आपको देखिए ये कुछ गड्ढे से दिखाई दे रहे हैं ना इसके, इस वाले जार में ये देखिए ये बने हुए हैं, जबकि सुपर मिक्स मॉडल में ये नहीं दिखाई देते हैं, सुपर मिक्स मॉडल में ये बिल्कुल प्लेन है। और इसकी वजह से जो इसमें इस तरीके के ये ब्लॉक्स बने हुए गड्ढे हैं इससे बहुत अच्छा इसमें हम चीजें पीस सकते हैं, यहाँ तक कि जो हल्दी की गांठें आती हैं वो भी इसमें पिस जाती हैं और बहुत फटाफट पिसती हैं। तो एक तो जार ये हो गया और एक छोटा जार हो गया चटनी जार। यहाँ पे आपको एक चीज और बताती हूँ, अगर आप मिक्सी ले रहे हैं और आप ड्राई ग्राइंडिंग करते हैं जैसे हल्दी पीस रहे हैं या बहुत सारी चीजें पीसते हैं, तो हमेशा आपको देखना चाहिए कि जो मिक्सी हो वो 750 वॉट से ज्यादा की हो। जैसे मेरी जो ये वाली मिक्सी है, ये जो सुजाता की मिक्सी है, ये 900 वॉट्स की है। डायनामिक्स मॉडल में जो आपको ये ब्लेड्स दिख रहे हैं ये मेटल के बने हुए हैं, और जबकि सुपर मिक्स मॉडल में जो होते हैं ये ब्लेड्स जो होते हैं वो प्लास्टिक के होते हैं।
और इनका बहुत फर्क पड़ता है। जो मेरी पुरानी वाली इनालसा की मिक्सी थी उसमें ये प्लास्टिक के थे और मुझे वो मैं दो बार मैंने वो चेंज कराए थे। तो ये दूसरी चीज़ है जो सुपर मिक्स मॉडल में और डायनामिक्स मॉडल में अलग है। और वैसे भी एक चीज़ और बताती हूँ, जैसे जो ये मेरी मिक्सी थी इसके साथ एक मिक्सी और थी जिसमें कि सुजाता का जो है जूसर भी था, यानी मिक्सर ग्राइंडर और जूसर भी था। उसमें भी जो जूसर वाला जो था ना उसमें भी ये सब मेटल का ही था, सब कुछ अच्छा था, लेकिन उसके साथ जो ये बड़ा वाला जार था ये प्लास्टिक का ही आता है। और दूसरी चीज़, मैं कभी भी, जैसा कि मैंने आपको बताया मेरी इनालसा वाली मिक्सी का मेरे जो एक मेरा फीडबैक था वो ये था कि मैंने उसकी एसेसरीज को कभी भी यूज़ नहीं किया था। और जूसर मुझे ऐसा लगता है कि जब हम मिक्सी के साथ लेते हैं, मैं अपनी बात बताती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उसे यूज़ नहीं कर पाती क्योंकि वो काफ़ी बड़ा अरेंजमेंट होता है, आपको पूरा सेट करके असेंबल करना है फिर आप उसमें जूस निकालोगे। तो हालांकि वो सस्ता पड़ता है जब आप उसे मिक्सर एंड ग्राइंडर के साथ लेते हो, लेकिन कभी भी वो अपने पैसे वसूल नहीं कर पाता। और जैसा कि मैंने आपको बताया और भी सारी मिक्सी हैं जो कि मार्केट में बहुत अच्छी हैं, सबके रिव्यूज अलग होते हैं, लेकिन मेरा फेथ जो जनरेट हुआ वो सुजाता की मिक्सी पे जनरेट हुआ। तो मैंने आपको अपनी पुरानी मिक्सी भी दिखा दी, और मतलब मैंने आज तक मेरे पास केवल यही मिक्सी रही है, ये मेरी अपनी पूरी उसमें ये थर्ड मिक्सी है। फर्स्ट मेरी ये इनालसा की थी जो कि चल रही थी, सेकेंड मैंने ली थी ये वाली मिक्सी, ये थी, और उसके बाद वंडर शेफ वाली थी। तो ये सारी मेरी मिक्सी हैं कुछ पुरानी वाली। तो इन सब में मुझे यही लगा कि अगर आप लेना चाहते हैं तो सुजाता की आप आंख बंद करके ले सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जो कि मैं काफ़ी, जिसके लिए मुझे भाग दौड़ शॉप पे करनी पड़ी, लेकर आनी पड़ी, और आपके लिए मैंने ये चीज़ इसलिए बनाई क्योंकि बहुत दिनों से आपकी भी रिक्वेस्ट आ रही थी और मेरी ज़रूरत भी थी। तो इस तरह से ये हो गया आज का वीडियो। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और फिर मिलेंगे एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओके फ्रेंड्स, थैंक यू एंड बाय। अब इस नई मिक्सी में मैं क्या बनाऊं ये आप लोग मुझे जरूर सजेस्ट करना, और मैं सब चीज़ें आपको करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से चल रही है। अभी तो जैसे जब कोई नई चीज़ आती है ना तो मन करता है लेने का, बिल्कुल वही है, मन कर रहा है कुछ बनाऊं, लेकिन अभी तो नहीं बनाऊंगी, बहुत गर्मी हो रही है, देखिए मैं पसीने में नहा रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।